और श्रावस्ती पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर चार और मोटरसाइकिल झाड़ियों में बरामद हुई है। इनका नाम बताया जा रहा है सद्दाम पुत्र कमर अली, निवासी नासिरगंज, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती। श्रावस्ती पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है कि एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस लक्ष्मण नगर बाजार के पास से गायब हो गया था, जिसका मुकदमा सोनवा थाने में दर्ज किया गया था और श्रावस्ती पुलिस इस चोर के पीछे पड़ी हुई थी। 24 घंटे के अंदर अंदर ही श्रावस्ती पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद में इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पहले तो एक मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा लिखाया गया था, लेकिन जब इसे पकड़ा गया और इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला इसने तीन और मोटरसाइकिल एक जगह झाड़ियों में छुपा कर रखा है। उसके बाद में श्रावस्ती पुलिस ने चारों मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया, जिसमें से बताया जा रहा है कि दो मोटरसाइकिल श्रावस्ती जिले से चोरी की गई है, बाकी की दो मोटरसाइकिल बहराइच जिले से चोरी की गई है। चारों मोटरसाइकिल को श्रावस्ती की पुलिस ने बरामद कर लिया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई में जुटी हुई है। श्रावस्ती पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि इसको बदला चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है और ये जो चोरी की मोटरसाइकिलें हैं ये नेपाल ले जाकर बेचने के फिराक में था। उससे पहले श्रावस्ती पुलिस ने इसको रंगे हाथों दबोच लिया। देखा आपने किस तरीके से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिस घटना का श्रावस्ती पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी, और इसी बीच में जब चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा तो जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं बल्कि तीन और मोटरसाइकिलें हैं जिसने झाड़ियों में छुपा रखा है। उसके बाद में चार मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद हुआ है। एक बार फिर से आपको इसका नाम बता दें, इसका नाम श्रावस्ती पुलिस ने बताया है कि इसका नाम सद्दाम अली पुत्र कमर अली, निवासी नासिरगंज, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती है, जिसके पास से चार मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। दिनांक 3/2/24 को थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल चोरी की सूचना मिली, जिसमें थाना पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करवाया गया और साथ में उसके अनावरण के लिए टीम गठित की गई। 24 घंटे के अंदर ही थाना पुलिस ने उपरोक्त चोरी का सफल अनावरण किया, जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और चोरी की गई बाइक के साथ साथ अन्य तीन चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई। कुल चार बाइकों में से दो बाइक जनपद श्रावस्ती से चोरी की गई थी और दो जनपद बहराइच से चोरी की गई थी। जो अभियुक्त चोरी की गई बाइकों को नेपाल में बेचने की फिराक में था, उपरोक्त मुकदमे में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।